सत श्री अकाल की हाल चाल। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। सो दोस्तों आ जाइए, हम आपके साथ हैं लाइव। आज हमने बहुत सोचा कि आज कौन सा टॉपिक लें, तो फिर आपका, फिर हमने लास्ट वाला सजेशन वाला पेज खोला जिसमें आप सब लोगों ने बहुत सारे सजेशन दिए कि सर ये, सर वो, सर ये, और उसमें हेयर वाला भी था और बाकी दूसरा भी था। तो हमने सोचा चेस्ट पेन पे बना लेते हैं, फिर सोचा चलो। फिर हमने जब बनाने के लिए लाइव खोला तो लाइव में आया एकदम से, लाइव जब चालू करने से पहले एक हेयर वाला पर्सन आया, उसका आया कि भाई इसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई जब इसने हेयर चेंज किया। मैंने हाई चलो लगता है ये सिग्नल है, हेयर पे बनाना चाहिए, तो हेयर ही सही। सो हेयर इज हेयर, कम लेट्स हेयर अबाउट हेयर, राइट। सो अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल आ नहीं रहे, अगर आपके बाल लंबे नहीं हो रहे, काले नहीं हो रहे, सफ़ेद हो रहे, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कैसे उस चीज़ को डायग्नोस करें? एक तरीका तो यह है, आप डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर कुछ दवा लिख देंगे, आप दवा खाए, आपका फ़ायदा नहीं हुआ, आप बोले हट डॉक्टर ख़राब, फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास जाए, उसने दवा दी, आप फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, फिर दवा दी और दवा दे दे के आपको टेम्पररी इलाज हुआ, फिर उसके बाद छोड़े, उसके बाद फिर प्रॉब्लम हो गई, फिर गया ये हो क्या रहे। सो अल्टीमेटली प्रॉब्लम इज कि आप उसको जड़ नहीं पकड़ रहे हो। जड़ यानी उसका मूल कारण, मूल कारण, मूल कारण बेसिक्स में होता है। सो बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आपके बाल बनेंगे तो रॉ मटेरियल से बनेंगे। सो अगर आप हेयर की बात करें, अगर आपके हेयर लॉस हो रहे हैं या बन नहीं रहे हैं या तगड़े नहीं हैं, तो दो चीज़ों पे आपने ध्यान पहले देना है। नंबर वन चीज़ है कि आप हेयर केयर सही तरीके से कर रहे हो या नहीं, और दूसरी चीज़ कि आपके हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स, बायोटीन, विटामिंस, और पानी है कि नहीं, वहाँ सर्कुलेशन सही है कि नहीं, राइट। पहले कैसे देखेंगे, सबसे पहले बहुत सिंपल, ये सिंपल सी चीज़ है, अपना सर घर में ही किसी से चेक करा लो। सर यानी लिटरली बालों के बीच का जो एरिया है, बालों के बीच की जो स्किन है, वो देखने में हेल्दी है या नहीं, पहला स्टेप। अगर वो देखने में ही हेल्दी नहीं है, वहाँ डैंड्रफ है, वहाँ फंगल इन्फेक्शन है, वहाँ सोरियोसिस है, वहाँ पे कुछ खुजली मची है, लालपना है, तो वहीं प्रॉब्लम है, आप और कुछ नहीं कर सकते, आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, ठीक। फर्स्ट स्टेप खाप खत्म। दूसरा, अगर वो ठीक है, स्किन ठीक है वहाँ की, लेकिन आपके फिर भी हेयर नहीं आ रहे, तो सेकंड चीज आप देखोगे आपका प्रोटीन इनटेक। प्रोटीन इनटेक आप कितना करते हैं पूरे दिन में, उसके लिए आप हमारा साइंस ऑफ न्यूट्रिशन का वीडियो देखिए, साइंस ऑफ न्यूट्रिशन बाय डॉक्टर एजुकेशन फिटनेस हमारा चैनल, उसमें दिया हुआ है। उसमें आप अगर वो वीडियो फर्स्ट सेकंड थर्ड एपिसोड देख लेंगे तो आपको समझ जाएगा प्रोटीन कैसे पूरा करते हैं और आपका प्रोटीन पूरा है या नहीं, पूरा हो रहा है या नहीं। एटलीस्ट 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से आपको प्रोटीन लेना चाहिए, 60 किलो के तो है 60 ग्राम प्रोटीन पर डे, ठीक है, 100 किलो के तो 100 ग्राम, यही हिसाब बोलता है। और अगर हेयर आपके पतले हो रहे हैं, हेयर आ रहे हैं लेकिन पतले आ रहे हैं, तो दैट बेसिकली मींस कि शरीर पागल नहीं है भैया, याद रखिएगा, हेयर पतले पैदा नहीं होते, ठीक है। कोई इंसान माँ के पेट से डाकू और वो चोर उचक्का पैदा नहीं होता, ये हालात उसे बना देते हैं। वैसे ही आपके बाल कभी पतले पैदा नहीं होते, या तो बचपन से पतले होते हैं या फिर आप वो चीज क्या बोलते हैं, आपके बाल डैमेज हो जाते हैं। सो आप डैमेज कर रहे हो बाल, दैट कॉजेज प्रॉब्लम, राइट। सो बाल डैमेज होंगे कैसे होते हैं, धूप से, ब्लो ड्रायर से, बाल आपके टॉवल से रगड़ने से, हार्ड वाटर से बाल धोने से, राइट, और दैट कॉजेस प्रॉब्लम्स। काजल जी थोड़ा सब्र करो, 5-10 मिनट ये बात करके सवाल का जवाब भी देंगे, बहुत ज्यादा जल्दी हो रही है आपको, थोड़ा सा सब्र करिए। एनीवेज, ऑलराइट, सो दैट इज वन थिंग कि आपको अपने बालों के लिए हाई प्रोटीन डाइट पे ध्यान देना होगा, साइंस ऑफ न्यूट्रिशन देखना होगा। बायोटीन इंटेक कर सकते हैं, लेकिन बायोटीन अकेला नहीं है, ऐसा मल्टीविटामिन देख लो जिसमें बायोटीन हो, वो मल्टीविटामिन लेना शुरू कर सकते हो। आपके बाल बहुत थिन है तो बालों की केयर पे ध्यान दो, बालों के डैमेज पे ध्यान दो, उल्टी सीधी सारी चीजें लगानी बंद कर दो, सिंपल प्रोटीन बेस्ड शैम्पू ले लो, ठीक है, या सिंपल पानी से धो लेना बाल को, उसके बाद में पानी में सॉल्ट, बेकिंग सोडा डालना शुरू करो या पानी को टेस्ट कराओ, आपका पानी का TDS कितना है, वो हार्ड है कि सॉफ्ट है, राइट। हार्ड वाटर से पानी बाल धोगे दिक्कत होगा, राइट। सो दैट इज वन प्रॉब्लम, हो गया।
उसके बाद में आपने क्या करना है, प्रोटीन ये हो गया। थर्ड चीज आपने करनी है मसाजेस। जी हाँ, बाल को चाहिए सर्कुलेशन, सर्कुलेशन बढ़ाएगा ऑयल मसाज और आपका हेड लो पोजीशन। अगर आप प्राणायाम कर सकते हैं, सर थोड़ा जो भी बोलते हैं उसको, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, बिस्तर से उल्टा लेट सकते हैं, तो दैट इज विल हेल्प। अगर आप ये सब करेंगे तो महीने दो महीने में आपको फर्क महसूस होगा। पहले मेरा हमेशा ये एडवाइस होगा कि इस चीज को ट्राई करें, और साथ ही एक्सरसाइज, पैरों की मसल्स जो होती हैं आपकी, पैरों में जो पंप है उस पंप को चलाएंगे तो सीधा ब्लड शूट अप होता है अगेंस्ट ग्रेविटी आपके सर तक, और वो दिक्कत, वो चीज में प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो वो चीज सीधा सर पे जाती है, दिक्कत आती है। सो ऐसा पैर की एक्सरसाइज करनी जरूरी है, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो आप जरूर करिए। उसके बाद रेगुलर, ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हैं और फिर भी आपको बाल अच्छे होते नहीं दिख रहे और बालों को हेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप फिर आप कोई प्रोडक्ट यूज करने का सोचेंगे। मिनोक्सिडिल पे जाने से पहले आप सिंपल, आप प्रोकापिल जैसे प्रोडक्ट्स ज्यादा प्रेफर करें तो बेहतर होगा। डीएचटी या डीएचटी ब्लॉकर्स इस्तेमाल करने की अभी कोशिश ना करें, वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, वो टेम्प्रेरी सोल्यूशन है, वो कभी भी आपको फायदे नहीं करेगा, ठीक है? ये याद रखें, हाँ टेम्प्रेरी फायदा होगा लेकिन दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। जिंदगी भर डीएचटी ब्लॉकर लोगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन ब्लॉक हो जाएगा, आपकी मसल्स कम हो जाएगी, आपकी बॉडी पावर कम होगी, लिबिडो कम होगी, इरेक्शन प्रॉब्लम आएगा, फलाना फलाना ढमकाना ढमकाना, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन एक्ट्स बिकॉज ऑफ डीएचटी ऑल्सो, राइट? मेन एक्टिंग इंग्रेडिएंट, तीन चार गुना ज्यादा एक्टिव उसका, तीन गुना ज्यादा एक्टिव डीएचटी होता है, सो यू डोंट वॉन्ट टू ब्लॉक दैट एब्सोल्युटली, ठीक है? सो लेट्स टॉक, ये होगी बात छोटी इन शॉर्ट अबाउट दिस, कि आपको मेडिसिन लेनी भी है तो कौन सी लेनी है। प्रोकापिल आप ट्राई कर सकते हो, पीआरपी, जी हाँ पीआरपी एक ट्रीटमेंट है जो आप कर सकते हो। अगर आपको एलोपेशिक जो वो मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, राइट, एलोपेशिया एरिएटा है, तो फीमेल्स अगर वही चीज हो रही है, सेम फीमेल मेल कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया, बालों को कुछ नहीं दिख रहा है कि ये मेल है कि फीमेल है, बालों को सिर्फ इतना दिख रहा है कि बाल कम हो रहे हैं, राइट राइट, ठीक है जी। अरे भैया चलो, अब आपके सवालों पे आ जाते हैं, काजल जी को छोड़ दीजिए, एक हमने क्या बोल दिया, सब उनके पीछे पड़ गए, हम पढ़ रहे हैं क्या, भर भक्तम एक के पीछे एक, सब पीछे पड़ गए, क्षमा करिएगा, चलिए शुरू करते हैं, राइट। सो ये हुई बात इन शॉर्ट। अब बालों के बारे में जो सवाल है वो पूछ सकते हो, और साथ ही दूसरे सवालों के जवाब हम देने की कोशिश करते हैं तुरंत। ये वीडियो इसीलिए जानबूझ के बनाया है क्योंकि हेयर्स के बारे में जानकारी तो मोस्ट हम दे चुके हैं, इसलिए 5-6 मिनट हमने थोड़ा शॉर्ट में बता दिया कि हम रेकमेंड क्या करते हैं, और बाकी की जानकारी आप हेयर बाय डॉक्टर एजुकेशन, नीचे लिंक भी दिया हुआ है, उसमें बहुत डिटेल में जानकारी है, हेयर्स के ऊपर 5-6 वीडियो जरूर देख सकते हो, ठीक। चलिए शुरू करते हैं फटाफट रैपिड फायर में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोशिश करेंगे पूरा करने का, सवाल देने का, जवाब देने का। हम सिमरन जी पूछ रहे हैं, ओमेगा 3 से स्पर्म सीमन क्वालिटी में अच्छा फर्क पड़ता है या के गलत, और वेट लॉस तो नहीं होता? जी वेट लॉस नहीं होता है और सीमन में क्वालिटी में फर्क पड़ सकता, पर गारंटी नहीं है क्योंकि ये उस उद्देश्य से नहीं दिया जाता, ये बॉडी के इम्यूनिटी, बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन कम करने के लिए दिया जाता है। तो सीमन की क्वालिटी बेहतर करना आपके मूड के ऊपर, आपके एक्सरसाइज के ऊपर, आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है? थैंक यू हर सिमरन जी, सत श्री अकाल कुलवंत जी, सत श्री अकाल। टेस्टोस्टेरोन लो, टेल मी सम सप्लीमेंट। सप्लीमेंट मत लीजिए, एक्सरसाइज करिए, नींद सही लीजिए, और सप्लीमेंट लेना है तो ओमेगा थ्री, विटामिन डी, विटामिन B12 और कैल्शियम सप्लीमेंट, ये 3-4 सप्लीमेंट ले लीजिए, राइट? ओके, आई एम गुड, थैंक यू जी, थैंक यू। चेस्ट पेन नहीं जाता, TMT नॉर्मल है, इसीलिए मैं चेस्ट पेन वाला वीडियो बना रहेगा था, पता है चेस्ट पेन वाले बहुत लोग बैठे हैं, चेस्ट पेन नहीं जाता है। एनीवेज, चेस्ट पेन के लिए TMT नॉर्मल है, दैट इज मस्कुलर पेन। आप प्लेन सिंपल कोई मसल रिलैक्सेंट टैबलेट सुबह शाम 4 दिन के लिए ले लो, या एक मसाज करा लो थोड़े दिन के, ठीक हो जाएगा। ऑलराइट राइट, हेड स्टैंड, जी हाँ हेड स्टैंड कर सकते हैं, या फिर बिस्तर से लटक के ऐसे बालों के लिए। हिमांशु जी, बिस्तर से अगर आप नीचे गर्दन को या कमर से नीचे झुक जाएं तो अल्टीमेटली सर चल जाएगा। हिजामा विजामा कर्म काम नहीं करता भैया, हिजामा विजामा में गलती से चीरे मत मलवा लेना, ठीक है? वो सेम चीज है जो डर्मा रोलर होते हैं, डर्मा रोलर, हिजामा, उसमें जो चीरे, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, ये सब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने वाली काम है और कुछ नहीं, कोई चमत्कार नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है। ब्लड सर्कुलेशन एक दिन में बढ़ा लेने से जिंदगी भर बाल नहीं आ जाएंगे, ये स्लो प्रोसेस है, बाल स्लोली आते हैं, तो बालों को स्लो हेड मसाज रेगुलर वाली चाहिए, हेड लो यानी ब्लड सर्कुलेशन डेली बेसिस पे चाहिए उसको,
डेली बेसिस पे हिजामा कराओगे, डेली बेसिस पे सुइयां घुसाओगे सर पे? कभी कभी जल्दी 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 करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो लोग करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज़ करने लग जाओ, ठीक है? बी सेफ, ऑलराइट, राइट। टैन पर वीडियो लाओ सरकार, ओके। टैन 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 इज़ अ गुड वन, टैन पे वीडियो बनाते हैं, आज ही बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी, ओके। सर हेयर बहुत रफ हो गए हैं और बिकॉज हेयर फॉल हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट, ये प्योर हेयर डैमेज है भैया, रफ बाल इज इक्वल टू हेयर डैमेज। बाल पानी चेक कराओ, धूप में मत जाओ, बाल बांध के रखो, टोपी पहनो, वट एवर यू कैन डू, हेयर प्रोटेक्ट करो, हेयर डैमेज वाला मेरा वीडियो देखिए, राइट। ऑल राइट, ओके, ये आ गया। अभी पेड़ सवाल भी आया, उस पर भी आते हैं। टेल बोन में बैठ में दर्द होता है, एक्सरे कराइए रश्मि जी, इट्स पॉसिबल कि आपका एक्चुअली बोन मिनरल डेंसिटी बहुत ही कम है और सिंपल हार्ड सर्फेस पे बैठने भर से आपका टेन बोन में कोई हेयरलाइन फ्रैक्चर या डैमेज हो रहा है, तो उसको जाके आपको एक्सरे कराना पड़ेगा, ऑर्थोपेडिशियन को दिखाना पड़ेगा, राइट। और अब कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी 12 लेवल्स अपने चेक कराइए। थैंक यू फॉर द डोनेशन। पेट सवाल एक आया, उसको भी लेते हैं, राइट, ओके। टैन पे वीडियो बना, लिख लेता हूँ यार, मैं भूल जाता हूँ। टैन 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 टरान, चलो एनीवेज। वाइट हेयर का इलाज, वाइट हेयर का इलाज है एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और ऑटो इम्यून डिजीज को रूल आउट करना। सबसे पहले ब्लड टेस्ट होंगे, ब्लड टेस्ट से पता करने की कोशिश होगी कि आपके वाइट हेयर्स होने के कारण क्या है, क्या वहाँ पे इन्फ्लामेशन से आपके मेलानोसाइट्स लूज हो रहे हैं, मेलानोसाइट से प्रॉब्लम होगा तो होगा प्रॉब्लम, राइट। तो फिर आपको एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन लेनी पड़ सकती है, कई बार कुछ दिनों के लिए स्टीरॉयड मेडिकेशन भी, या लोकल एप्लीकेशन करने के लिए स्टीरॉयड क्रीम, शैम्पू वाले स्टीरॉयड वाले शैम्पू, ऐसे कुछ भी दिए जाते हैं, वो ये डॉक्टर का काम है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये काम आप नहीं कर सकते, वाइट हेयर को ठीक करने का काम आप एंटी इन्फ्लामेटरी ले सकते हो, ओमेगा 3 ले लो आप, विटामिन बी 12, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सब डेली बेसिस पे फ्रूट दबा के खा लो, वल फ्रूट खा लो, वेजिटेबल्स खा लो, इन सबसे फर्क पड़ा तो पड़ा, नहीं तो नहीं, ठीक है, नहीं तो आप डॉक्टर के पास जाओ। हाउ टू ग्रो न्यू हेयर, न्यू हेयर ग्रोथ नीड्स सिंपल, यही सारी चीजें जो हमने पहले 6 मिनट में बताई। हेयर लॉस विद क्रिएटिन सप्लीमेंट एंड बॉडी बिल्डिंग, नो इट डज नॉट हैपन। क्रिएटिन सप्लीमेंट से हेयर लॉस कतई भी नहीं होता, जीरो, अंडा, गुड़गुड़ पानी, ठीक है, दैट इज ऑल मिथ। बट यस, आप जब बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, आपका डीएचटी लेवल बढ़ता है, तो अल्टीमेटली आपके अगर मेल पैटर्न बाल्डनेस आनी है तो वो जल्दी आता है, प्लस आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन यूज़ हो रहा है। और ज़्यादातर इंडिया में प्रॉब्लम है कि इंडिया में जो लोग खा भी रहे ना प्रोटीन, उनका बॉडी में जितना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उतनी पूरी नहीं हो पा रही, क्वाइट फ्रैंकली या तो वो नकली प्रोटीन मिल जाता है, घंटा उसमें प्रोटीन नहीं होता, या तो उनको प्रोटीन मिलता भी है तो उनको पता नहीं है कि प्रोटीन काउंट कैसे करना है, कैलोरीज में क्या है क्या नहीं है, ज्यादातर लोग कार्ब्स खा रहे हैं, उस चक्कर में क्या हो जाता है, बॉडी के अंदर मसल डैमेज इतनी कर लेते हैं, एक्स्ट्रा 1.5 घंटा एक्स्ट्रा 2 घंटा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से पहले दौड़ेंगे, एक्सरसाइज के बाद दौड़ेंगे, और उसके बाद क्या हो जाता है, मसल्स इतनी स्कोर होती है, इतनी हील होने के लिए उसको प्रोटीन चाहिए होता है और प्रोटीन उतना होता नहीं है, सो बॉडी यूजेज ऑल द प्रोटीन जो इतना है मसल्स के लिए, और बालों वालों को छोड़ो, हट, बाल कौन बनाएगा, मसल पहले, राइट, ऐसा है, इसलिए आपके बाल बनने नहीं है, फिर बाल हेयर लॉस भी होते हैं, ये भी होता है, बिकॉज वो सारी आपकी एनर्जी उधर चले जाती है, प्रोटीन में नहीं जाती, दैट इज वन फैक्टर, आई एम नॉट सेइंग दैट इज द ओनली फैक्टर, अदर फैक्टर इज योर डीएचटी, अदर फैक्टर इज योर केयर, राइट, अ लॉट ऑफ फैक्टर्स प्ले अ रोल। यार हेयर लॉस लिखने से क्या होगा, परमेश जी कुछ और सवाल लिखो अपना, हेयर लॉस रट लगा रखी है। ओके क्या है, अरे यार ये फिर भाग जाता है ऊपर, वन सेकेंड। लाइपोमा के लिए कुछ बताइए, अनूप सिंह जी, लाइपोमा पे बहुत सिंपल सोल्यूशन है, इस वाला लाइपोमा जो बन चुका उसको तो निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको लाइपोमा का कारण ढूंढना पड़ेगा, कारण मैं बता चुका हूँ, कहीं ना कहीं बॉडी पे, उस एरिया पे या पूरी बॉडी पे स्ट्रेस है, कोई ऐसी मिलावट वाली चीज़, कोई ऐसी दवा, कोई जड़ी बूटी, कोई ऐसी चीज़ आप खा रहे हो जो आपका प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है। लाइपोमा बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करिए, वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं उस पे, और आपको मेरे लाइव्स में ही उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाएगी, थोड़ा वक्त दीजिए, आप सुनिए और देखिए। बायोटिन के बेनिफिट के लिए फुल डिटेल वीडियो है बायोटिन बाय डॉक्टर एजुकेशन। सर बाल बहुत झड़ते हैं, इसीलिए तो हम यहाँ पे बैठे हैं कि बाल झड़ने बंद हो, पहले बताई गई 6 चीज़ें, 6 मिनट में बताई गई चीज़ें फॉलो करिए, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे भाई साहब। पानी सबसे पहले चेक कराइए और प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए। फ्रंट साइड लेफ्ट एंड राइट को नो हेयर,
प्लीज हेल्प, हेयर ट्रांसप्लांट और हिजामा विच इज ब्लेस्ड। क्या है यार, हिजामा बोल तो रहा मैंने, वो सिंपल ब्लड सप्लाई बढ़ाता है, उससे हेयर ट्रांसप्लांट का मुकाबला नहीं कर सकता। हेयर प्लांट ट्रांसप्लांट तो ट्रांसप्लांट है, कुछ नहीं है, बंजर जमीन में भी वो खेती कर देगा। हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर फॉलिकल्स है कि नहीं है वो जरूर चेक करा सकते हो। हेयर फॉलिकल नए बन सकते हैं, नए बन सकते हैं, ये डिपेंड करेगा फॉलिकल पूरे नेस्त तो नाबूद हो गए या फॉलिकल सिर्फ डैमेज हुए। डैमेज फॉलिकल हील हो सकते हैं, नए बनने मतलब जीरो से नए नहीं बन सकते, फिर आपको हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। वो फॉलिकल के साथ ही वो ट्रांसप्लांट हेयर हो जाते हैं, राइट। ऑलराइट, देन हैविंग एक्सट्रीम वीकनेस आफ्टर 7 सीमन डिस्चार्ज, आई एम डायबिटिक, यू विल हैव द सेम वीकनेस आफ्टर हैविंग सेक्स, यू विल हैव द सेम वीकनेस आफ्टर नाइट फॉल्स, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज बिकॉज योर बॉडी इज वीक, राइट। किसी को उठने से चलने से एकदम वीकनेस होने लगती है बिकॉज ऑफ द बॉडी इज वीक, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स, राइट। चलो मेरे 10 सवाल हो गए, अभी पेड सवाल ले लूँ एक आधा, 10 हुए कि नहीं हुए बताई दो हमका, नहीं हुए तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 हो गए मुझे लग रहा है। पाजी, ओके, आई हैव DHT, आई हैव dihydrotestosterone, बिकॉज ऑफ दैट आई हैव हेयर लॉस, आई हैव हर्ड दैट DHT हैज मोर बेनिफिट देन डिसएडवांटेज, इज इट ट्रू? एब्सोल्यूटली, बट DHT इज वेरी बेनिफिशियल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मसल्स, फॉर योर बोन्स, फॉर योर स्किन। भाई हेयर, बताओ मेरे को एक सिंपल सी चीज़ है, एक DHT, लोग इंसान लोग इतने सारे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स लेके उल्टे सीधे काम करके इंजेक्शन लगा लगा के अपनी बॉडी बनाते हैं, मसल बनाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद में DHT ब्लॉकर लेके, DHT जो मेन टेस्टोस्टेरोन से 2-3 गुना ज़्यादा हैवी अच्छा बूस्टर है, अच्छा वो है, उसको ब्लॉक कर देते हैं, इसके चक्कर में कि बाल बचे, क्या होता है थोड़े दिन के लिए बाल बचते हैं, फिर जब DHT बंद करते हैं, बॉडी बिल्डिंग रोकते हैं, वापस फिर गायब हो जाते हैं। दैट्स नॉट अ गुड पॉइंट, दैट वो तो बेकार तरीका है, आपने ये भी नहीं किया ना वो भी नहीं किया। आपको अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है, मसल बनानी है, मसल बनाओ, डोंट वरी अबाउट द हेयर। हेयर के लिए बिना दवा के, बिना फिनास्टराइड के, बिना DHT ब्लॉकर के, आप ये सारी जो नेचुरल तरीका बताया उसको फॉलो करो, ठीक है। और बाद में अगर बाल आपके झड़ने ही झड़ने हैं, आपको अगर एलोपेशिया एरिएटा है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, तो आजकल ट्रांसप्लांट कौन सी बड़ी बात है, ट्रांसप्लांट बड़ी आसानी से कुछ, आजकल तो 30-40 हज़ार में पूरे सर का ट्रांसप्लांट हो जाता है, अब वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, बट हाँ सी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं रह गया, अब आगे और सस्ता होता जाएगा, डोंट वरी अबाउट। ऑल राइट, लो बैक पेन एंड राइट हिप पेन कॉजेज, इसका अलग से वीडियो आएगा। आज मेरा एक लो बैक पेन भी आने वाला था मेरा, कि मैं सोचा चेस्ट पेन, लो बैक पेन या हेयर, इन तीनों में से किसी में बनाता हूँ, अल्टीमेटली हेयर का नंबर लग गया, आगे चेस्ट पेन और लो बैक पेन पे आएगा, कब कब क्या क्या वो पता नहीं, राइट right? ओके okay. चलो अब मैं 10 सवाल हो गए हैं, हार्ट में हल्का हल्का रुक रुक कर चुभन हो रही है, आप ECG, इको, TMT तीन चीज़ें करा लीजिए अजमल जी, ठीक है। अब मैं नीचे जा रहा हूँ सबसे नीचे नीचे, क्योंकि भाई बात तो सारी नीचे वाली आती है कि आपके सवाल लाइव चैट, अब आप लोगों में जिन जिन ने ऊपर भी लिखा होगा वो फिर अब हेयर वाले लिखिए। ओके, इफ़ वी वर्कआउट हार्ड एंड फेल टू प्रोवाइड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन देन इट विल हैम्पर द हेयर क्वालिटी लाइक हेयर थिनिंग, हेयर लॉस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आर यू किडिंग मी, राइट। किसी आप जाके किसी जो रोड पे काम करते हैं ना, जो रोड पे काम करते हैं बेचारे, जो जिनके एकदम कटीली बॉडी होती है, उनके जाके शरीर देखो, व्हाई दे डोंट हैव अ सिंगल हेयर ऑन देयर बॉडी, दे डोंट हैव अ सिंगल हेयर, बिकॉज उनकी बॉडी के पास वैसी मसल को बचाने के लिए प्रोटीन नहीं है, वो क्या घंटा हेयर बनाएंगी, आई मीन व्हाई वुड दे क्रिएट एनी हेयर्स हियर और देयर। उनके बाल कम होते जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैल न्यूट्रिशन, सबके सब थोड़े से टकले होते हैं भाई, कोई देखा एकदम यो देखा है यार, दिमाग लगाओ, दिमाग बेसिक्स, राइट ओके। फिनेस्ट्राइल एमिलेक्सियर विच इज इफेक्टिव विथ मेनोक्सिडिल, ये डॉक्टर बताएगा भैया, ये दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट, कायदे से तो मैं ये तीनों में से कोई भी रेकमेंड नहीं करता अपने हिसाब से, राइट। ECP के लिए नेचुरल बाईपास का मेरा वीडियो देख लो, नेचुरल बाईपास बाय डॉक्टर एजुकेशन वीडियो बनाया हुआ है मैंने, नेचुरल बाईपास। ओके, हाथ जी कलाई का पेन कैसे दूर करे, कलाई का पेन भाई कारण ढूंढना पड़ेगा, वो क्या है, क्या बोलते उसको, एक नहीं वो कार्पल टनल सिंड्रोम है, कोई वीकनेस है, डिहाइड्रेशन है, क्या है क्या नहीं है। ट्रांसप्लांट क्लिनिक पे बहुत सारे क्लिनिक है ट्रांसप्लांट करने वाले, देख सकते हैं। वाइट क्यों होते हैं
कम में, उसके लिए मेरा वीडियो है प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, वो जाके देखिए। यू कैन जस्ट टाइप प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स ऑन डॉक्टर एजुकेशन। राइट, माई इम्यूनिटी इज नॉट गुड, वॉट टू डू, वॉट टू डू, चेक योर, एक हेल्थ चेकअप कराओ, CBC कराओ, लिम्फोसाइट काउंट देखिए, इम्यूनिटी कम है तो क्या कम है, को एलर्जिक तो नहीं है, एलर्जी रिएक्ट तो उसमें इओसिनोफिल्स, IgE लेवल्स, आप अपना विटामिन प्रोफाइल देखिए, वो कमी पूरी करिए तो ठीक हो गए। थायराइड लेवल देखिए, स्किन ड्राई हो रही है मोहम्मद जी को तो आप पानी ज़्यादा पीजिए, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार मॉइस्चराइज़र लगाइए, स्किन ड्राई नहीं होगी। इन ग्रोइंग टोनेल से को आपको वो एक तरीके से प्रोसीजर ही कराना पड़ता है, या कई बार वो अपने आप घाव करके निकल जाता है, तो वो चीज़ है, उसके लिए आप सर्जन को दिखाइए, है ना। मिस्टर जमाल, माय स्काल्प इज गेटिंग टू मच ऑयली, आई फेस्ड हेयर फॉलिंग, टू मच ऑयली स्कार, दिन में 2-3-4 बार आप चाहो तो 2 बार हेयर वॉश करिए दिन में, आपको हेयर में ऑयल लगाना बंद करिए और उसको हेयर से ऑयल निकालिए, हेयर वॉश 2 बार करिए, कोई बात नहीं कुछ दिन तक, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। व्हाट शुड बी टेकन फॉर अ हेल्दी हेयर विच कवर्स ऑल विटामिंस एंड मिनरल्स, भाई ऐसा नहीं है, देर इज नो सिंगल फूड, राइट, एंड देर इज नो सिंगल फूड विच इज अवेलेबल ऑल ओवर द ईयर, राइट। जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं, सीजनल वेजिटेबल्स आते हैं, ईट देम इन अ गुड क्वांटिटी, आधा किलो सलाद और दिन में 2-3 फ्रूट्स जो सीजनल है वो खाओगे तो यू गेट इनफ विटामिंस, राइट। सलाद और फ्रूट, बिकॉज दे आर नॉट कच्चे खाते हो ना, जब उसको धो के बढ़िया से काट के खाते हो या चबा के खाते हो, जूस वूस नहीं, देन यू गेट द विटामिंस, नॉट लाइक दैट। और प्लस दूध दही पनीर लस्सी चार, B12 कहाँ से मिलेगा। ऑल राइट, इज इट ट्रू दैट हॉट वाटर ड्यू टू सन्स हीट कॉजेज वाइट हेयर, नहीं, अच्छा ये भी सही है, धूप में मेरे बाल पक गए, क्योंकि पके बाल। एक काम करना, मैं बताता हूँ, सुनो, बहुत सिंपल है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, थोड़े से बाल तो टूटते होंगे आपके, रोज के बाल, वो बाल ना आगे जाके धागे में ऐसे क्लिप से बांध देना, धूप में रख लेना, धूप तो रोज होती है अच्छी कड़कड़ाके की धूप, ऐसा होगा तो कल तक तो वो, या चलो कल थोड़ा 1 महीने के बाद वो बाल हो जाने चाहिए सफ़ेद, है कि नहीं, क्योंकि बाल में तो वैसी जान नहीं होती, बाल आर डेड टिश्यू, तभी आपको काटो फाटो कुछ फर्क नहीं पड़ता, दे आर डेड टिश्यू, है कि नहीं, नेल्स एंड बाल आर डेड टिश्यू, उनको एक्सपेरिमेंट करके देख लो, राइट, ऐसे नहीं होता धूप में बाल सफेद, हाँ धूप में मेलेनोसाइट्स डैमेज हो सकते हैं, दैट इज वन पॉसिबिलिटी, कि धूप में बार बार जा रहे हो तो मेलेनोसाइट्स डैमेज हो गए हैं और दैट इज कॉजिंग विटिलिगो या फिर वाइट हेयर, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट, वो ठीक अलग चीज है। Alright, do natural DHT blockers work and which are the main natural DHT blockers? No, natural DHT blockers don't work. Natural DHT blockers are all natural testosterone blockers. Right. Which wrist pain के लिए आपको एक बार orthopedician को दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर कई बार wrist pain is about wrong posture, is about damage, is about fractures, is about nas dabna. So you need examination for that. Okay. हाउ टू गेट रिड ऑफ ड्राई स्काल्प, ड्राई स्काल्प के लिए आपको ऑयल मसाजेस करनी होगी, हर बार नहाने से पहले ऑयल मसाज कराइए और दिन में, या चाहो तो टाइम है तो हर रोज़ नहाओ कुछ दिन तक, जैसे ड्राई स्काल्प खत्म हो जाएगा एक दिन छोड़ के नहाओ, ऐसे धीरे धीरे करना है, ठीक है। कोई भी ऑयल चलता है, डोंट वरी अबाउट ऑयल्स, राइट। अभी गर्मी है तो नवरत्न तेल, ठंडा कूल ऐसा वाला तेल ले लो, एकदम तपती गर्मी वाला वो वाला तेल मत लेना, ठीक है, सुपती तपती गमोरिया वाला। ओके, आफ्टर ऑयलिंग इन हेयर कैन वॉश विद वाटर विदाउट यूजिंग शैम्पू, नहीं यार फिर क्या फायदा होगा, फिर तो आपका ऑयल निकलेगा, फिर तो पानी से, फिर तो वो भी नहीं निकलेगा, क्या बोलते हैं उसको, गंदगी भी नहीं निकलेगी। ऑयल करने के बाद शैम्पू से वॉश करिए, ठीक है, विदाउट शैम्पू, बिना ऑयल के, अगर आप विदाउट शैम्पू ऑयल, बिना विदाउट शैम्पू हेयर वॉश करना चाहते हो तो बिना ऑयल लगाए फिर आप हेयर वॉश कर सकते हो। ऑयल लगा लोगे तो फिर ना तो स्काल्प से कुछ गंदगी निकलेगी, वो तो सारा पानी सब पसे फिसल जाएगा, फिसल के उड़ जाएगा, राइट। ऑल राइट, कॉड लिवर ऑयल जो मेडिकल स्टोर पर मिलता है वर्सेस फिश ऑयल बॉडी बिल्डिंग ऑफ व्यू से क्या लेना चाहिए। जी कॉड लिवर भी नहीं लेना चाहिए, फिश ऑयल भी नहीं लेना चाहिए, आपको लेना है EPA+DHA। EPA+DHA इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, उसको आप लीजिए, Omega-3 नाम का आता है, वो बेस्ट है, पैसे खर्चे कर रहे हो तो ढंग से करो, राइट। यू डोंट नीड ALA। नाउ इफ यू डोंट नो वट इज दीज 3, तो उसके लिए आप हमारा फिटनेस एंड न्यूट्रिशन वाले में फैट्स वाला, ऑयल्स वाला, या इंपॉर्टेंट फैट्स वाला वीडियो देखिए। क्या नेल रबिंग से बाल आते हैं? नो
बालायन से बाल आते हैं उसका कोई साइंस नहीं है, कोई से कोई प्रूफ नहीं है। आने वाले के लिए आ जाएंगे लोग बोलेंगे मेरा तो इससे आया, मेरा तो इससे ही आया भैया, और तुम में ऐसी करो, ठीक है। अब ये ना अलग बात है, एक प्लासिबो इफेक्ट होता है, वो प्लासिबो से आया है, या वो इसके साथ साथ थोड़ा सा ध्यान अपने बाल के केयर में लगा दिया कि हाँ अब मैं ऐसे कर रहा हूँ सो बाल आने चाहिए। तो सबकॉन्शियसली आपकी कायनात आपके इसमें लग जाती है कि सब कुछ ओके, बाल का ख्याल रखना है। सी इफ यू आर एंगेज्ड इन समथिंग, कई बार ना एक पहले जमाने में ये ट्रीटमेंट चल पड़ा था कि इफ यू डोंट नो द ट्रीटमेंट देन जस्ट गिव देम समथिंग, राइट। इफ यू डोंट नो द ट्रीटमेंट गिव देम समथिंग टू डू सो दैट उनका सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेडली उस चीज में लग जाए कि मुझे भैया बाल ठीक करना है, या मेरे को बीपी कम करना है, या मेरे को यहाँ से कुछ भी करना है। उसका कुछ नहीं होता, वो साइकोलॉजिकल है, वो एक इफेक्ट है, वो सबकॉन्शियस माइंड आपका खुद करता है। योर माइंड इज वेरी पावरफुल व्हाट यू बिलीव कम्स ट्रू इन द प्रोपोर्शन ऑफ यू बिलीव ऑन इट। ऑलराइट सर जी, नॉन सर्जिकल हेयर पैच थॉट्स यू कैन यूज इट, पर उड़ गए तो उड़ गए, चिपका लिया तो चिपका लिया, वो अलग बात है। सो दैट आई हैव नो एक्सपीरियंस, सो आई डोंट इवन से दैट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। वो उसका रेट देखो, 25-30 हज़ार का वो आ रहा है, तो 40 हज़ार में नया हेयर लगा लो, मतलब इट्स ऑल अबाउट दैट ओनली, मतलब है कि नहीं। उसका केयर अलग, इसका केयर अलग है, राइट ओके। और ये दिल्ली जैसी जगहों में इतना महंगा है, तो थोड़ा पेरिफेर में जाओगे तो और सस्ता पड़ता होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट नो द रेट्स, आई एम सॉरी, ये तो मैं सुना सुनाई बात बता रहा हूँ, राइट। कैन क्योर एक्सेप्ट मिडॉक्सिडिल फॉर मेल पैटर्न बॉलनेस, प्रोकापिल यूज करिए, पीआरपी ट्रीटमेंट यूज करिए मेल पैटर्न बॉलनेस के लिए, दैट कैन प्रोलॉन्ग योर बॉलनेस, थोड़े दिन बाद आएगी, राइट। व्हाइट बियर्ड एट यंग एज, मैं बता चुका हूँ, व्हाइट बियर्ड के लिए आपको इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी डिजीज ढूंढनी पड़ेगी, बियर्ड में कोई फंगल इन्फेक्शन, कोई ये चीज ढूंढनी पड़ेगी, उसके लिए आपको बियर्ड के नीचे वाली स्किन दिखानी पड़ेगी डर्मेटोलॉजिस्ट को। कैन आई गेट बैक लॉस्ट हेयर मेल पैटर्न बॉलनेस, नो यू कैन नॉट गेट इट बैक परमानेंटली, नो नो, ओनली बाय हेयर ट्रांसप्लांट। झूठ नहीं बोलते भाई साहब, जो सच है सो सच है, ठीक है। ऑयली डैंड्रफ रिमूव से प्लीज, डैंड्रफ नीड्स रेगुलर वॉश, जो सच है वो सच है। कीटोकानाजोल प्लस कोल्टार, या कीटोकानाजोल प्लस कोल्टार प्लस जिंक, या कीटोकानाजोल प्लस जिंक प्रोटार के, ऐसे नाम के बहुत सारे लोशन और शैम्पू आते हैं, इनको सिंगल या डबल, यानी पहले लोशन लगा के फिर शैम्पू करो, या सिर्फ शैम्पू करो, रोज़ शैम्पू करो, धीरे धीरे बालों में से खुजली बंद हो जाएगी, फिर एक दिन छोड़ के शैम्पू करो। और अगर आप हमारे जैसे गरीब लोग हैं जिनको पास टाइम नहीं रहता, हम टाइम के गरीब हैं, जी हाँ बहुत गरीब, तो फिर आप क्या करेंगे, जब टाइम मिला तब नहाएंगे, हम भी वैसे ही करते हैं, सुबह शाम रात जब टाइम मिला तब नहा लेते हैं, ठीक है ओके। बेस्ट शैम्पू फॉर दिस, बेस्ट शैम्पू शैम्पू कुछ नहीं होता भैया, जैसे मैंने कहा स्किन को अलग अलग शैम्पू अलग अलग मॉइस्चराइजर सूट करते हैं, वैसे ही शैम्पू भी अलग अलग सूट करते हैं। मेन चीज़ ये है, जितना सिंपल शैम्पू होगा, जितने कम इंटेंस रिपेयर वाला शैम्पू मत लीजिएगा, दैट इज़ अ मिथ, दैट इज़ अ बकवास, फालतू पैसे है, वेस्ट नहीं करनी चाहिए। बाल बॉडी में बहुत ज़्यादा होते क्या, क्या बाल बॉडी में बहुत ज़्यादा होते हैं क्यों, बाल बॉडी में जाता है अगर फीमेल हैं तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। उस केस में आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करिए, आपको वो सिंपल मेडिसिन देंगे उस केस में। इस केस में रोल है फिनास्ट्राइड का, DST ब्लॉकर का, तो कहीं भी नहीं खाना चाहिए उसको, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के ट्रीटमेंट का, उसके लिए PCOD का वीडियो देखिए हमारा। सर प्लीज़ बताएं, मेरे बेटे की उम्र 4 साल है, यूरिन ज़मीन पे करता है, तो सिर्फ बड़े वाले चुटैन क्यों लग जाते हैं, चुटैन मतलब वो चीटियाँ लग जाती हैं। देखिए आप बच्चे ज़्यादातर अगर ऐसे कर रहे हैं, बच्चों के 4 साल की उम्र में पेशाब पे मीठापन आ सकता है, मीठापन यानी शुगर आ सकती है बीच बीच में, और ऐसा नहीं है कि शुगर यूरिन में आना कोई पाप है,
हर बार जब भी आप खाना खाते हैं आपकी शुगर स्पाइक होती है, वो स्पाइक होते समय अगर आप देखेंगे तो 180 के ऊपर क्रॉस होगा, वैसे ही आपकी किडनी से फिल्टर होनी शुरू हो जाएगी, तो थोड़ी बहुत यूरिन आएगी। सो बच्चे क्या है, हम लोगों से ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा 20 गुना ज़्यादा शुगर खाते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ही उतनी है। वो दौड़ते भागते हैं, वो कोई भी चीज़ पैदल चल के नहीं करते, उनका दौड़ना है, उनका ये एनर्जी है। सो दे नीड मोर कार्ब्स, मोर एंड मोर एंड मोर कार्ब्स। सो वो कार्ब ज़्यादा खाते हैं, इसलिए उनकी शुगर भी ज़्यादा स्पाइक होती है, इनकी यूरिन में थोड़ा बहुत शुगर आ सकता है। इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऑलराइट, हेयर क्ले के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, हेयर क्ले क्या है, क्या करता है, क्षमा चाहते हैं, उसके बारे में मुझे भी देखना पड़ेगा। कैन आई यूज़ हेयर क्ले फॉर स्टाइल, हेयर लॉस होगा? अच्छा, हेयर क्ले फॉर स्टाइल, वो अरे हेयर क्ले हेयर लॉस होगा कि नहीं होगा, डिपेंड्स अपॉन वो क्या बना है उससे, राइट। हम पर्सनली फिक्सो यूज़ कर लेते हैं, हेयर स्प्रे यूज़ कर लेते हैं, हेयर क्ले तो नहीं यूज़ किया मैंने, बाकी जेल वेल यूज़ किए हैं। प्लीज़ रिमेंबर, मेरे बाल वाइट होते हैं सोल्यूशन, बाय वाइट वाले के सोल्यूशन सबीना जी, माता जी मुँह से निकल रहा था, मेरे मुँह से माता जी निकल रहा था, ये हाथ जोड़ा था आपने तो माता जी निकल रहा था, फिर ऐसे माता जी हाथ। वाइट बाल का सोल्यूशन आपको डर्मेटोलॉजिस्ट बताएंगे, बिकॉज इट नीड्स इवेल्यूएशन, आपका इन्फ्लामेशन चल रहा है बॉडी में, इन्फ्लामेटरी डिजीज है या क्या प्रॉब्लम है, वो स्किन को देख के समझ में आएगा, स्काल्प को देख के समझ में आएगा। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच गाइस, 30 मिनट हो गए हैं, कोई नहीं, ओके, थैंक यू, चलिए मिलते हैं कल फिर, ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो, टेक केयर।